तो वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से, और आज हमारे पास आई है होंडा आईवी टेक न्यू मॉडल गाड़ी। और नंबर नहीं दिखाएंगे, खाली आपको डेंट दिखाएंगे कि ये डोर के अंदर आप देख सकते हो कितना गहरा डेंट पड़ा हुआ है। और ड्राई डेंट की वीडियो काफ़ी दिनों बाद मैं आज बना रहा हूँ, तो आपको इसका ड्राई डेंटिंग का प्रोसेस बताएंगे। और यूट्यूब पे तो आप काफ़ी सारी वीडियो देखते रहते होगे ड्राई डेंट की, तो है काफ़ी बंदे जो निकालते हैं, लेकिन आज बड़े दिनों बाद हम भी एक वीडियो बना के दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से हम ड्राई डेंट निकालते हैं अपना, और जिससे हम निकालते हैं वो हमारा टूल कौन सा होता है, किस तरीके से निकालेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी गाड़ी में डेंट लग जाता है और अगर आपको उसका अगर पेंट ज़्यादा ना उतरा हो तो खाली ड्राई डेंटिंग से आप उसको ठीक करा सकते हो, और वो भी बहुत ही कम कीमत पे। तो ये इसका डेंट है, ये यहाँ से कम दिख रहा होगा आपको, और ये एक स्क्रैच यहाँ पड़ा हुआ, और यहाँ से पेंट बिल्कुल पपड़ी बन के उतरा हुआ है, क्योंकि इन भैया ने पहले भी गाड़ी पेंट करवा रखी है। और अगर साइड पोस्ट से देखते हो तो अब आपको दिखेगा कि कितना भयंकर डेंट पड़ रहा है, यानी कि पूरा डोर ही अंदर जा रहा है। और ये भैया की नई गाड़ी थी, तो ये बड़े इन्होंने सर्च करा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। इन्होंने बताया कि मेरे घर के बैक साइड में भी बंदा है जो डेंटिंग वगैरह करता है, तो इन्होंने फिर हमें गूगल पर ढूंढा और फिर हमसे सुबह बात करी, और फिर ये आप फाइनली हमारे पास गाड़ी लेकर आए हैं। तो अब हम इसका दिखाते हैं आपको डेंटिंग पेंटिंग का प्रोसेस, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ड्राई डेंटिंग करनी हो या डेंट पेंट करना हो, कुछ भी करना हो, तो सबसे पहले इसका गत्ता खोला जाता है। तो गत्ता जैसे कि हमने खोल ही दिया है, अब इसके अंदर का सीन देखते हैं इसमें, क्योंकि मारुति के अंदर तो पन्नी लग रही होती है और टाटा के अंदर फोम लगा रखी होती है अंदर, तो अब देखते हैं होंडा सिटी के दरवाजे के अंदर क्या लगा होगा। और साथ ही अब इसका आपको दिखाएंगे, और ये डेंट देख लो कितना काफ़ी अंदर दबा हुआ है, और सामने से कम पता चल रहा है क्योंकि ये डार्क कलर है, हाँ, लेकिन अब दिख रहा है। और जब हम इसका काम करेंगे उसके बाद आपको उसका दिखाएंगे, तो दोनों चीज़ें देख के आप बताना कि आपको हमारा काम कैसा लगा। और फिर रिपीट करूँगा कि काफ़ी टाइम के बाद एक ड्राई डेंट की वीडियो हम बना रहे हैं, वरना सबसे ज़्यादा जो वीडियो बनती है हमारी डेंटिंग और पेंटिंग की ही बनती है। तो इस वीडियो को देख के आप लोग भी समझ जाओगे कि हम ड्राई डेंट भी निकाल देते हैं। तो गत्ता इसका खुल चुका है और इसके अंदर पन्नी लगा रखी है होंडा वालों ने, जो कि काफ़ी आसानी से हट भी जाती है और लग भी जाती है। टाटा वालों की तरह नहीं है कि फोम दे दिए, एक दो बार उतारो तो बाद में फट जाए। तो अब ये इसकी पन्नी उतारी जाएगी और फिर ड्राई डेंटिंग का प्रोसेस इसमें चालू किया जाएगा। और मैं बात कर रहा था आपको दिखाने के लिए टूल की कि किससे हम निकालेंगे, तो ये हमारा पट्टा है ड्राई डेंट का, जिससे हम ड्राई डेंट निकालते हैं। तो ये काफ़ी चिकना होता है, इसको थोड़ा सा और रगड़ेंगे हम, और ड्राई डेंट निकालने के बाद में इसके जब हम इससे पीटते हैं तो पेंट ख़राब नहीं होता है। और पहले भी मैंने आपको कई बार दिखाया है कि हम हमारे यहाँ पे जितने भी डेंटर थे उस साइड ड्राई डेंटर सेक्टर थे, इसमें सब इसी तरीके के पट्टे से ही काम किया करते थे। तो गत्ता खुल चुका है, पन्नी उतर चुकी है, और अब बारी है इसके ड्राई डेंटिंग करने की। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका हम डेंट निकालते हैं। गाइस, जैसे कि डेंटिंग का प्रोसेस इसमें चालू हो चुका है, और अभी आपने देखा वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हमने दिखाया, तो थोड़ा जल्दी जल्दी में दिखा दिया था क्योंकि डेंटिंग के अंदर आवाज़ शोर ज़्यादा आता है। और अब इसका काफ़ी हद तक जो अंदर से हाथ मारा था डेंट निकल गया था, और ऊपर वाला जो पोर्शन है इसकी भी डेंटिंग हमने कर दी है, ये सही बाहर आ गया। लेकिन अब जो नीचे का जहाँ पर मेन ये निशान पड़ रहा है, अब इसको बाहर निकाला जाएगा, तो ये भी आपको दिखाएंगे, और बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, और ये सारा काम आप देख रहे हैं बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर, पहले आपकी फिर हमारी शॉप बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। तो गाइस, डेंटिंग का प्रोसेस इसमें चालू है और पीस काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, तो
फिर भी जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा निकालेंगे इसको। और हमने कहा भी था सर को कि इसको पेंट करवा लो, लेकिन ये कह रहे कि अभी मुझे कहीं जाना है, तो फिलहाल मैं वहाँ से घूम फिर कर आ जाऊँ, उसके बाद देखेंगे इसको पेंटिंग का जो करवाना है। तो अभी जितना अच्छा हो सकता है उतना बढ़िया पेंट निकाल के इनको दे देंगे। पहले हमने इसका डेंट निकाल लिया और निकालने के बाद में फिर हमने इसके ऊपर दोबारा से एक थोड़ा सा रबिंग टाइप में मारी, और मारने के बाद में फिर एक बार दोबारा इसकी तरपाई करी जा रही है ताकि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा ट्राइडेंट हम इसका निकाल दें। और फिर फाइनली इसके ऊपर रबिंग मारी जाएगी और फिर आपको दिखाया जाएगा कि कैसा लग रहा है। तो अभी शोर आ रहा है, फिलहाल आपको दिखा दें इसका आगे का प्रोसेस। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो से पहले कि जो पैनल पेंटेड होता है उसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत रहती है, क्योंकि जो कंपनी वाला पेंट रहता है उसके ऊपर जितना मर्जी पीट लो उसका कोई पेंट ख़राब नहीं होता है। लेकिन जो गाड़ी पेंटेड पैनल होता है अगर हम उसके ऊपर ट्राइडेंट के पट्टे से अगर चोट मारते हैं तो उसके कहीं ना कहीं हल्के फुल्के निशान रह ही जाते हैं। तो अभी इसका हमने डेंटिंग तो कर दी थी और इसके बाद फिर हमने इसको रेगमाल से रफ मार के थोड़ा साफ कराया। अब इसकी फाइनली रबिंग करेंगे और फिर इसका आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है देखने। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। रफ लगाने के बाद एक बार दोबारा से रबिंग मारी जा रही है ताकि दरवाजे के अंदर वैसी शाइनिंग आ सके जो जैसी पहले थी। तो अब रबिंग का प्रोसेस, पहले हाथ से रबिंग लगाई जाती है, फिर उसके बाद इस पर गद्दी घुमाई जाएगी जिससे इसकी चमक निकाली जाएगी वापस। तो गाइस फाइनली डेंट इसका निकल चुका है, लेकिन चक्कर यही है जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेंटेड पैनल है, इसके ऊपर जहाँ जहाँ तुरपाई हैंडल लग रहा है वहीं पे ही इसके अंदर निशान लगने चालू हो जाते हैं। तो जितना हो सकता था, क्योंकि अगर ज़्यादा निशान लगते तो बुरा लगता, तो हमने अपनी तरफ से इसको बेस्ट कर दिया कि ज़्यादा पेंट ख़राब भी ना हो और ज़्यादा निशान भी ना दिखे। तो ये मेन हमने इसका डेंट निकाला, और बाकी एक बार जब गाड़ी का डोर बंद हो जाएगा तो फिर एक बार क्लियर आपको दिखाएंगे कैसा लग रहा है। तो गाइस फाइनली ये डोर हमने ड्राई डेंटिंग कर दी है, लेकिन जो है जितनी फिनिशिंग हम सोच रहे थे उतनी इसके अंदर आ नहीं पाई। लेकिन ये है कि इसका पेंट उतरा हुआ था काफ़ी हद तक, इसे पेंट तो करना ही पड़ता। तो मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं कि दिखाना कुछ हो रहा है और बताना कुछ हो रहा है, जो है ये आपके सामने है। और मैं आपको फिर एक बार दोबारा बताऊँगा यही बात कि जो पैनल पेंटेड होता है, अब जैसे कि आप देख रहे होंगे ये यहाँ से क्रैकिंग आ गई है, अगर इसको हम ज़्यादा और चोट मारते तो ये सारा ख़राब हो जाता। तो इसलिए इसके ऊपर हमने जहाँ जहाँ मेन था, जैसे यहाँ खड्डा पड़ रहा था, एक यहाँ डेंट था, तो हमने इसके ऊपर तुरपाई करी, बाकी हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये है, और आपको साइड से भी दिखा देता हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो बनानी चालू करती उस टाइम साइड से आपने देखा था कैसा लग रहा था। ये इसका साइड पोज है, तो अब आप भी देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये निकल चुका है, और ये सामने से पोज है। तो बाकी अगर कोई आपकी गाड़ी का जेन्युइन पीस है उसका डेंट निकाला जाएगा तो उसमें कोई निशान नहीं आएगा, लेकिन अगर वो पेंटेड है तो 101% निशान होने के चांसेस होते हैं। और ये हम बात पहले ही आपको बता देते, जैसे कि मैंने भैया को बता दी थी, लेकिन भैया हमारे इस काम से सेटिस्फाई हैं। तो अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। गाइस फाइनली गाड़ी का डेंटिंग का प्रोसेस हमने कम्प्लीट कर दिया, आपने देख लिया होगा कि हमने जो काम अपना करा था वो कम्प्लीट कर दिया है, और गाड़ी भी जा चुकी है। और मैं लास्ट में एक अपना जो तकिया कलाम जिसे कहते हैं, या एक डायलॉग कह लो जो मैं हर बार बोलता हूँ, वो बोला मैं भूल गया, तो वो डायलॉग यही है कि ये गाड़ी भी कंप्लीट हुई। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।